पीछे का कुछ हाल ऐसा देख लो, ये हाल प्लान तो देखो कुछ खास नहीं है, पर प्लान बहुत ज्यादा खास है किन भाइयों के लिए जिन जिनके पास कार है। तो आप कार के नाम से समझ गए होंगे कि क्या करने वाले हैं हम। तो उसकी मॉडिफिकेशन सीरीज स्टार्ट होने वाली है, तो धीरे 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 जो समझ में आता जाएगा वो काम कराएंगे पहले, ठीक है जी। और अगर हम तुम्हें ये भी पता है, अगर हम कोई काम करवाते हैं तो वो फिर चीज़ कहीं ना कहीं जाती है, पक्का जाती है, मतलब घूमने के लिए। जैसे डोमिनर में काम हुआ, बुलेट में काम हुआ, तो क्या हुआ था कि भैया ट्रिप पे गए थे, तो ऐसे ही कुछ अपना आज का प्लान है। अभी रेडी हो गया हूँ मैं और अपनी गाड़ी उठा के, देखो सब लोग पता है करोल बाग भागते हैं मॉडिफिकेशंस के लिए, गई ये वो, और कुछ इतनी ज़्यादा हाइप बन गई है कि सब वहीं जा रहे हैं, तो फिर उसी के नाम पे हाइप जहाँ बनती हैं चीज़ें, वहाँ पे क्या होता है जो प्राइजेज हैं वो एकदम ऐसे हो जाते हैं बेंचमार्क लग गया हो कि भाई इतना तो इतना ये क्वालिटी ना मिलेगी, फिर लोगों को ऐसे ऑर्डर आ देते हैं कि देखो 14,000 का मिलेगा या 15,000 का मिलेगा, और अगर आप ये करोगे कि काम ज़्यादा तो इससे हल्की क्वालिटी का भी हैगा, क्वालिटी कम हो जाएगी वो जल्दी, तो लोगों को डरा देते हैं। और फिर एट द एंड लोग क्या बोल देते हैं कि भैया तू तो हमें यही कर दे, हम ठीक है। तो भाई हम करोल वरोल बाग कहीं नहीं जा रहे हैं, हम करवाने वाले हैं अपने शहर में। कुछ दिक्कत हो जाती है तो भैया अपने शहर में जाकर पकड़ तो लेंगे भैया को, जाया नहीं जाता एकदम से। मैं खुद बना रहा था यार प्लान कि गुड़गांव जाऊँगा। मैं सच में बताऊँ लिटरली बहुत प्लान बनाया, नहीं जा पाया। और अब दूसरी ट्रिप की देखो तैयारी हो चुकी है, मैं बता दिया। वैसे इंस्टाग्राम पे मैंने एक स्टोरी डाल दी, और अगर आप कोई भी देख रहा हो और आपको चलने का वो हो तो देख सकते हो। हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शन हैं, बाइक्स भी हैं, गाड़ी भी है, और भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ऑप्शन तो बनाने से बनते हैं, अपने ऊपर होता है बनाने से बनते हैं। तो अगर ऐसा हो तो इंस्टाग्राम पर DM कर देना अगर किसी को भी चलना हो। है जब वहाँ बुला रहा तुझे बाइक पे, तो भैया कल गाड़ी गंदी दोबारा से हो गई थी, इसकी कसम परेड हुई थी, ये आर्मी मैन बन गया आज थोड़ा जरा हैं, थोड़ा सा ही बना है ना, तो थोड़ा सा ही पूरा होने में टाइम लगेगा। क्या बजाएगा बाइक हो जाएगा, गाड़ी में चलेगा भाई, गाड़ी से जाएंगे, गाड़ी आई है तो सामने से देवे से ले चले तो गाड़ी से चलता है, ये चला रहा है तो वहां से ही ठा लियो ना बैंक में। तो भैया ऐसा हुआ है कि वो ना बैंक में जाना था, उसका फौजी साहब का कुछ बैंक वैंक का काम था, भैया बड़े आदमी हो गए हैं, कसम परेड हो चुकी है। भाई साहब बड़े आदमी बन चुके हैं भैया, हम तो अभी ठहरे नौकरी वोकरी छोड़ के बैठ गए हैं, वो बेरोजगार वापस से बन गए हैं, और दोबारा से रोजगारी ढूंढ रहे हैं, कहीं मिल जावे तो है दिलवा दो यार, एक दो प्रमोशन कोलैबोरेशन कर लेंगे किसी के साथ। पर बस अभी तो पहले ये देखो आज गाड़ी में होने का वाला, मतलब मैं ये एक एक चीज़ सोच के जो सबसे ज़्यादा एसेंशियल है ना, जो मतलब सबसे पहले चाहिए वो चीज़ करवा रहा हूँ मैं, और कुछ करवाएंगे, सब कुछ करवाएंगे बस दिये दिये। बट धीरे धीरे, क्योंकि देखना चाहते हैं कि अगर हम ये चीज़ करें, देखो लोगों की वीडियोस सबकी देखी हैं, लोगों के पॉजिटिव कमेंट्स भी देखे हैं, लोगों के नेगेटिव कमेंट्स देखे हैं। अब इन द सेंस क्या कि भाई जब हम अपने आँखों से कराएंगे ना तब पता चलेगी। पहले हमारे पास XUV 500 थी, पर वो तो टॉप वेरिएंट था, उसमें कुछ ऐसा कुछ खास करा नहीं, बस एक सीट कवर डलवाया और तो कुछ फुटमैट ज़्यादा ज़्यादा और क्या मॉडिफिकेशन उसमें, और कोई मॉडिफिकेशन। ये Z6 वेरिएंट है, अब इसमें देखेंगे कहाँ कहाँ हो सके, ठीक है। आजकल वो थोड़ा सा और भी क्रेजी थिंग्स चल गई हैं, वो भी कराएंगे, बट अभी जो पहले, क्योंकि देखो इसमें सिर्फ एक फुटमैट डले हैं और कुछ नहीं डला, तो वही वाली बात जो एसेंशियल है सबसे ज़्यादा वो चीज़ें होंगी सबसे पहले, ठीक है। अभी देखो पन्नी वन्नी सब उतर गई है, तो इससे भी अंदाज़ा लगा लो क्या होने वाला।
भाई मार्केट में पहुंच गए हैं और यहाँ पूरी की पूरी मार्केट स्टार्ट हो जाती है अपने बुलंदशहर की। लल्ला रोड पे पड़ती है भाई, अगर कोई बुलंदशहर से देख रहा है तो अगर करवानी हो कहाँ करवानी है वो तो अभी पता चल जाएगा, बस दो सेकंड और रुक जाओ, पहुंचने ही वाले हैं। वैसे हमारे साथ आकाश है, उसी की दुकान पर जा रहे हैं हम मतलब हमारी दोस्त की दुकान नहीं है भाई, यहाँ तो भरी पड़ी है भाई। तो ये तो मेरे से निकला आराम से आज 11-12 बजे, ये तो फिल कर रखा है इसने पूरा, तो फिल कर रखा सिस्टम पूरा फिल है। अभी पहुंच गए भाई, अभी जाके देखते हैं क्या करवाते हैं, सिस्टम है, रोड पर खड़ी कर दी है, बाकी पुलिस वाले ना जाए, वहाँ पे चौकी हुई है कोई दिक्कत ना आए तो भाई अपनी गाड़ी लग गई है काम होने पे, क्या क्या होने वाला है वो देखते जाओ थोड़े दिन में। क्या क्या कर रहे हो फिर? ये अभी तो फिलहाल फ्लोरिंग चल रही है, कहीं जाने की जरूरत तो ना पड़े। कहीं नहीं भाई, जो बुलंदशहर में रह रहा है उसे जरूरत पड़नी चाहिए, ये बताओ। मैं एक चीज कह के आया हाँ कि अगर इन फ्यूचर कोई दिक्कत होने लगी है ना और वापस से दिल्ली भागोगे उसी भीड़ में, तो मैं वही कह रहा, मैं आ रहे हो तो शहर में अपने शहर में जब भी तो कोई काम करवाएगा, जब भी तो लाओगे हर चीज तुम भी भाई, बिल्कुल वही तो बात है, तो वही चीज है समझनी चाहिए। कहाँ ना यहाँ ना कहाँ देखो यहाँ कुछ हो रहा है, कुछ तो हो रहा है। UDH मुड किसे मोड़ रहा है, किसे मोड़ रहा है, कौन सा गाना है, ये तो मुड़ के ना मेरे को लाया वे, कौन ना आया, कौन चला गया आकाश सेटिंग कहाँ गई तेरी, ठीक है फौजी साहब, भैया फौजी साहब बन गए हैं लौंडे, कितने वो तेरी कागजों में कितनी उम्र है, 21 हो गए कहाँ है अभी, कितनी है, साढ़े बीस बताओ भाई, हम हो गए कितने, 32 साल के बूढ़े, और ये भाई भी अभी 21 साल भी नहीं हुए, उससे पहले इनकी नौकरी लगी, 21 साल के हो गए कुछ भी नहीं, एंड यो क्या है वो, कुछ घुट्टी वुट्टी दे ही क्या किसी ने, हैं घुट्टी ना दी भाई यार, और हो जाए एक ऐसी चीज है, उम्र से बड़े को छोटा कर दे, छोटे को बड़ा कर दे, ना वो ठीक है, मैं ये जो तूने इतनी जल्दी नौकरी लगाई मैं उसकी घुट्टी कह रहा हूँ, वो घुट्टी वुट्टी लेनी पड़ेगा, पसीना बहाना पड़ता है, रात काली करनी पड़ती है, और अब भी रात काली हो रही है यार, अच्छा रात काली करनी पड़े यार, ये खुद वगैरह जाऊंगा मैं, ब्लॉग बनाया करूंगा गुड़गांव में, वो गुड़गांव कह रहा हूँ गुलमार्ग जा रहा है भैया, बढ़िया चल रहा तुम बताओ, क्या क्या हो गया काम ये बताओ, बढ़िया से करवा दो, अच्छा जी हाँ तेन ही आ रहे हैं पकड़ने, देख रहा है ये VIP की उसे VIP के चौधे, तो भाई अपनी गाड़ी का सारा काम हो रखा है, और देखो यहाँ पे सीट, ये मतलब इधर की तरफ यहाँ सीट खुली हुई है, जो दोनों बैठे हैं ना ये सीट लगा रहे हैं, सीट बाहर निकाल के मतलब सीट कवर लगा रहे हैं, और अंदर हो रही है फ्लोरिंग, मिरर्स पे कुछ करवाया है, मिरर्स पे मतलब लीगली करवाया है, लीगल नहीं करवाया मतलब, ये कुछ देख रहे हो ये कुछ, और देखो फ्रंट की ये रखी है, ये कुछ ऐसे वारंटी बता रहे हैं, मतलब वारंटी क्या मतलब, एक चीज है कि अगर कोई भी डिपर मार रहा है ना तो हमें चमक नहीं आएगी उसकी, क्या मारता रहे हमारे सामने से, हमारी पास कोई फकना पड़ता तो भैया लीगल वाले हाँ, हमारे पास घंटा फकना पड़ता, तो एक ये लगनी बाकी है अभी, चल रहे हैं धीरे धीरे, और जो जो होता जाएगा, एक और जब पूरी कंप्लीट हो जाएगी ना जब दिखाऊंगा प्रॉपर, हाँ जी के क्या क्या, और फिर उसके प्राइस टैग भी बता देंगे कि इतना इतना हो रहा है, बाकी सीट कवर कैसे बनवाए हैं, मतलब खुद से डिजाइन सा दिया था, मतलब अपनी तरफ से अपने टेस्ट के हिसाब से, तो चीजें होती रहेंगी कन्वर्ट एंड ये सब,
चलता रहेगा, डिजाइन सिस्टम सेट कर देंगे एकदम, मामला है पैसा बहुत है। अरे पैसे जिंदगी तो है ही ना भाई, जिंदगी जिंदगी का क्या है, जिंदगी आ वो मैंने एक चीज सुनी ही, तुमने भी सुनी होगी, जिंदगी जिंदगी 4 दिन की, पर मैं 24 साल जी लिया, जो 20 साल जी लिया, तेरे 4 दिन अभी आए ना, तेरे आ गए 4 दिन में से कितने दिन पूरे हो गए तेरे? मेरे तो अभी तो 21 साल का 3 दिन रह गए। और तेरे रे, तेरे कितने दिन दे लिया तू भाई? चार दिन की जिंदगी, वो जो गाना जो है 4 दिन वाला गाना कह रहे हो? हाँ कि 4 दिन हो गए पूरे भाई, मारे ना हुए अभी तो पहला ही दिन ना पूरा कंप्लीट होगा दे रहा हमारा तो भाई, पहला दिन तो जब कंप्लीट होगा जब ब्याह हो जाएगा फिर बालक हो जाएंगे फिर दूसरा ना, इसके 4 दिन पूरे करवाएंगे हमें, पहली पहला दिन इसका कंप्लीट नौकरी, दूसरा इसका ब्याह, तीसरा इसके बच्चे और चौथा इसका रिटायरमेंट। 4 दिन ये होते हैं भैया, 4 दिन है भाई, तेरी शादी में नाच लेंगे, हमारा तो पता ना होएगा या ना होएगा, तेरा तो करवाई दे रहे हैं, देख लो भैया लोंडिया वोंडिया किसी की हो आन दे, 100% आ गए हैं तेरी में, कह देंगे जाके भाई और किसी की, मैं तो कहना रे आलिए आलिए जाट 100% आलिए हैं भाई, शादी का बहुत बड़ा केस रहा है। अरे तो केस तो करवा ना यार, रजिस्ट्री नहीं करवानी, सुलझाने के हम आएंगे ना, तू तू नौकरी पे चला जी, देख हम लेंगे नहीं, बहुत सारे हैं, 1 2 3 और एक तेरा भैया 4 और 2 3 मेरे घर में है, ना ना तेरी जल्दी से बैठवाएंगे तेरे पे, तेरा जल्दी से बैठवाएंगे इस पे, ना ना तेरे पे जल्दी से बैठवाएंगे वो, कार्रवाई जल्दी करवाएंगे भैया, देखियो कुछ देखिए नाराज हो गई, रसगुल्ले पिछवा दिए, क्या बात है वो कुछ ना नाराज हो गई आज हमारी मोहतरमा, जाके देखे रसगुल्ले और दो मीठे बोल गाके सुना दे तो फिर भाई कहा मैं ना कर रहा था दी, मैं कतई ना करूं, ये जार बैठे हैं इसका इसी हुए फूकने ना देगा, ओरिजिनल है बॉसमैन की, क्या कर रहे हो लोकल ना देंगे कितने दिन की है इसकी वो 2 वारंटी वॉचमैन की तो आपकी 1 साल की होगी, हाँ एक और लगाऊंगा इससे फीमेल उसकी 2 साल की होगी, अच्छा मेल की 1 साल है फीमेल, अच्छा हाँ वही वाली चीज जैसे फीमेल ज्यादा जिम में आती है, लाइट अपनी लग गई है, एक बार रेस्पॉन्स देख लो, दिन ये पूरा दिन कट रहा है, कितने बजे 4 बजे 4:30 4:30 बजे ना अभी, एक पहले एक चलाओ लोअर, ये देखना एक और, दोनों जले हुए दोनों, अभी यहाँ का रेस्पॉन्स देखो ज्यादा चमक रही भैया, ज्यादा गोरे कर दिए चलो बहुत बढ़िया, ये भी हो गया भैया अपना, सब एक्सपेरिमेंट करते हैं अपना अपना, कि इसमें वाइट लाइट डलवा लेंगे क्योंकि पार्किंग लाइट है, मैंने एक्सपेरिमेंट करा और गाड़ी का एक बार लुक देखो, यहाँ पे ये रेड हो गई है और इधर ब्लू हो गई है, और सारों के रिएक्शन देखो भैया कैसी है, ये मेरा एक्सपेरिमेंट कामयाब है, कैसी लग रही है भाई, भाई कैसी, ये सही लग रही है ना, ये मैं खुद सोच रहा बहुत देर से, मतलब मैं वो वाली लगवानी सोच रहा, वो जो लाइट जो पुलिस वाली हो, मैं कहीं ये लग जाऊँ, मैं सफ़ेद लगवाऊँ, मैं ये करके देखते हैं, लुक अलग ही तकड़ा आ रहा है, देखो यहाँ भी वीडियो में मजा आ गया भाई, स्टॉप लगा दिया उनका, दे दे ये वो बुड़ गया, स्कूल वाले बच्चे दे 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 एक और बुड़ गया, आजा आजा आजा, दे दे ये आ गए शेर, ना अभी बिजी हो गए, दे ताऊ जो ताऊ गया थे आराम आराम से जा रहा, दे दे ताऊ रुक गया, अरे बच गया, आगे ना भाई, तुझे एक बात बताऊँ, हाँ एक और आगे शेर दे दो, दो शेर हो रहे, ये वापस चल दिए कौन था, हमने पापा की परी थम गई, अच्छा पापा के परे रुके हैं बुलेट वाले,
भांगे ये गाड़ी आ रही है इनके पीछे निकाल दो। देखो तैयार है मैं तुम्हें पकड़ने का, एक दो तीन गिनती गिनने। ये गाड़ी आ रही है इनके पीछे निकाल दियो। ये कहीं देखो गाड़ी, अब निकाल दो निकाल दो। अपनी गाड़ी मिल गई है। अभी काम क्या क्या हुआ है वो मैं तुम्हें बता दूं कि भाई अपने सीट कवर, फ्लोरिंग और लाइट, वो लाइट का फोकस दिखा। वैसे अभी एक जगह अंधेरे में जाएंगे, वहाँ प्रॉपर दिखाएंगे कि क्या क्या सीन हुए हैं। एक बार हाई बीम दिखा, मैं वो मार रहा हूँ। ये देखो भाई हाई बीम बहुत तगड़ी हो गई है, मतलब लाइक मजा खड़ा हो गया। अब एक एक गड्ढा दिखा देगी। चल तो भाई अपनी कॉलोनी में आ गए और ये अपनी मतलब अपनी एलईडी का जो फोकस है वो दिखा रहा हूँ मैं एक बार। तो भाई ये बंद और ये देखो अच्छा खासा, मतलब लाइक पूरा अंधेरा हुआ पड़ा। ये देखो पूरा अंधेरा डिट्टो, और ये हो गए भैया अपर बीम। तो भाई ये नेक्स्ट डे है, जब गाड़ी में अपने में काम करा रहा था और पीछे का कुछ हाल ऐसा देख लो, ये हाल हो गया। ऐसा हुआ है कि यहाँ पे ना इधर की तरफ मैं तुम्हें टायर वायर के निशान दिखा देता हूँ एक बार। क्या करा क्या है, और ये यहाँ पे वीडियो मतलब बना रहे थे तो ये देख लो एक बार, ये टायर के निशान है, ये सब मेरे करे हुए हैं। मतलब यहाँ पे कुछ पता नहीं जो भी चल रहा है, और उधर की तरफ यहाँ पे पूरा मैं ड्रिफ्ट सी मारी है आज इससे, और आज इसे मतलब हाल बुरा कर दिया। हाँ कि भैया कुछ तकड़ा सा आ जाए वो वाली चीज़, ठीक है। तो मैं तकड़ी चीज़ देखने को मिलेगी, पर सबसे पहले ये दिखाते हैं कि मैंने इस गाड़ी में काम क्या कराया था। तो तुम्हें कुछ दिख रहा होगा कि ये भैया टिंटेड सी लग रही है ये सारे के सारे चीज़ें, बट अभी जैसे धूल सी हो गई है। तो भैया मैं अभी अभी बंद रह दो, यहाँ कोई फायदा नहीं है, यहाँ तो भाई ज्यादा ही बुरा हाल हो गया। और भाई ये देखो कुछ ज्यादा बुरा हाल हो गया, आज घर वाले गाली देने वाले हैं। पीछे देखो भाई ये टिंटेड है, क्योंकि मेरा फेस दिख रहा है, तो हमने सबसे पहले ये टिंट कराए। देखो अब सारे काम बता देता हूँ यार, मैं अच्छे से अब दिखा भी नहीं पाऊंगा। एक काम देखो, हमने ये भी कराया था, कैलिपर रेड कराए थे, ये भी है देखो, यहाँ तो ये काला सा हो गया। कुछ पता ना चल रहा है ये कलर है कौन सा। तो चलो भाई अभी एक दिन साफ करके भी दिखा देंगे, अब अंदर से दिखा दूं मैं कि कराया क्या। ओ भाई ये किसने रखा है यहाँ पे। तो सबसे पहले देखो मैंने ना इसमें सीट कवर डलवाए थे, कुछ ऐसा है ये सीट कवर इसके। भाई साहब उतर जाओगे दो सेकंड के लिए बस, हैं भाई साहब। तो भाई ये फुट मैट जो थे ये पहले से ही थे, तो हम नीचे फ्लोरिंग कराई है कुछ ऐसी, ये क्रोकोडाइल स्टाइल होती है। और अपने सीट कवर कुछ ऐसे है, देखो ऊपर से ऐसी है प्रोफाइल, ये यहाँ पे नीचे। और ये भैया वो टूट 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 जो मचाती है इसकी वजह से लगा रखी थी। बाकी स्टेयरिंग करवाने वाला था, मेरे को जो चाहिए था वो चीज़ मिली नहीं, इसलिए मैंने नहीं कराया। तो सबसे पहला काम कराया था भाई फ्लोरिंग का, कुछ ऐसी है फ्लोरिंग। अपने ये जो फुट मैट हैं ये पहले ही थे पुराने, और ये है अपने कुछ आगे से सीट कवर। बाकी अभी यहाँ कुछ नहीं कराया, सिर्फ एक चीज़ आगे हुई है, एक सीट कवर के मैचिंग वाली सॉफ्ट कुशनिंग करा दी। और साथ में अभी यहाँ पे कुछ है नहीं, क्योंकि मैं कुछ और डिसाइड कर रहा हूँ, ये वाली चीज़ और ये, क्योंकि स्टेयरिंग और ये सब एक साथ ही कराऊँगा। क्योंकि भाई कुछ तगड़ा चाहिए, मतलब लाइक मतलब कुछ हटके कराना है। देखो वही सेम मैचिंग नहीं के ब्राउन पे सॉफ्ट कुशनिंग ब्राउन करा दी, मतलब लाइक हाँ मैं देखो डार्क शेड रखने वाला हूँ, तो इस चीज़ से लगा लो। यहाँ भी अभी कुछ नहीं कराया, सिर्फ भैया अपने सीट कवर आए, हेलमेट लेके चल रहे हैं क्योंकि साथ में डोमिनर भी आई है। और हम भाई आज गाड़ी से इतने करतब दिखा दिए, अब बाइक का भी मन नहीं करा। तो ऐसे है अपने कुछ सीट कवर ये वाले। और भाई ये हेलमेट का अगर मैं रिव्यू दूँ तो एकदम मस्त जेन्युइन, और जो भी देता है ऐसा रिएक्शन देता है कि खतरनाक। तो अभी देखो नीचे साइड के एक और कवर दोबारा से देख लो भाई, कुछ ऐसे कवर हैं इसके। और अभी इसे यहाँ रख देते हैं, पीछे का दिखाते हैं तुम्हें, ठीक है। फिर सिनेमेटिक एंजॉय करना गाइस, पीछे के कुछ खतरनाक से हैं, मतलब लाइक ये जो लुक है ना ये रेड एंड ब्लैक, तो समझ ही गए होगे मेरे को रेड एंड ब्लैक थीम रखना है, क्योंकि कैलिपर भी रेड हो गए। तो ऐसे कुछ अपने पीछे से सीट कवर, और देख लो यहाँ से फ्लोरिंग देख लो एक बार भाई, फ्लोरिंग अच्छी हो गई है, क्योंकि तुम्हें पता है मेरे पास पेट है और फ्लोरिंग करानी भी ज़रूरी थी, तो इस वजह से, ठीक है जी। एक ही रेन वाइजर लगवाएं, क्रोम लाइनिंग मेरे को चाहिए ही नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि ये जितनी भी है ये भी धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी, ये भी ये ब्लैक हो जाएगी बहुत जल्दी। कब हो रही है फिर ब्लैक तो भाई ये LEDs डलवाई हैं, इनका तुमने देख लिया होगा, क्योंकि रात जब लास्ट में आया हूँ मैं तो मैंने इनका फोकस दिखा दिया था, खतरनाक। ये भाई कुछ ये वाली जो लोअर बीम है वो 220 वोल्ट है, और ये वाली अपर बीम है वो 180 वोल्ट है, ऐसे ही सेम यहाँ है। ये चारों बल्ब डले हैं, अब इनका एक एक करके मैं प्राइस भी बता दूंगा।
फ्रंट मिरर पे मैंने नहीं कराई है, यहाँ पे टेंट कराए, 33% कराए, तो एकदम ऐसा लुक दे रही है खतरनाक। अभी तो ऐसा लुक हो गया है इसका कि हाँ भाई पता नहीं कौन से ऑफ रोडिंग करके आई है। मस्त ड्रिफ्ट से मारी, एक आध रील टाइप सी बनाई। और भाई अंदर बैठे क्या समझ आया फिर? ये तो सीट बेल्ट लगा के बैठ गया, जान के साथ कोई खतरा नहीं है। तो यहाँ से भाई ऐसे कुछ रेड कैलिबर करा दिए, बाकी धीरे धीरे इस पे काम चलता रहेगा। अभी मैं कॉस्टिंग की बात कर लेता हूँ। ये जो चारों बल्ब है भाई ये 11,500 रुपए के थे, जो कि मेरे को कॉस्ट पड़े, और ये कंपनी थी बॉसमैन की। और जो भाई फोकस है आया है खतरनाक। एक बार पार्किंग DRL ओपन कर दियो, जो कि मैंने कुछ इसमें हटके काम करा है। ये कुछ गाइस देख लो, मतलब हटके क्या, मतलब कुछ सोचा कि क्योंकि यहाँ पे लाइट वाइट सी लगवाते थे, वो पुलिस वाले तो खुद देख के फिर वो चलान काट ही देते, इस पे कहाँ ही चलान काट रहे हैं भैया, ये तो कलरफुल ही था वो वाली चीज। तो इधर ब्लू डलवा दिया और इधर कुछ रेड है भाई, है ना। तो ये लुक जो है रात में तो खतरनाक देती है, बाकी यहाँ भी देखने को मिल रहा है, पता चल रहा है। एक ये छोटू सा मॉडिफिकेशन ये था। और अब बात कर लेते हैं भाई अपने सीट कवर्स की। ये मैंने खुद देख के मैंने खुद ही बनवाए थे, बट एक चीज़ इनमें गलत हो गई, शायद तुमने नोटिस भी कर ली होगी, ये वाली। मैंने सिर्फ उनसे स्कॉर्पियो के लिए बोला था कि बस स्कॉर्पियो आगे वाली सीट के लिए ही करना है, तो मैंने स्कॉर्पियो के लिए सिर्फ यहाँ के लिए बोला था भाई ने, पर ये लोगो लगा दिया खुद से। नया वाला उनके पास लोगो नहीं था, ये खुद से। मैं कह यार ये गलत कर दिया तुमने, पर मैंने पीछे नहीं कराया था, बस आगे आगे के लिए बोला था कि स्कॉर्पियो N लिख देना बस। तो स्कॉर्पियो तो लिख गया, पर ये गलत हो गया कि ये चीज़। पर चलो अभी डल गए तो डल गए, अब क्या करें। और फिर वही था, मैं डलवाने थे इस वजह से। तो इनकी जो कॉस्टिंग थी वो 8,500 रुपये आई। और भाई मतलब मैं एक चीज़ कह रहा हूँ, जो इसके साथ आते हैं ना कंपनी से, और ये वाले, ये देखो कितने सॉफ्ट हैं। मतलब हाँ बैठ के फील आता है केवल, मतलब के एक अच्छी जगह बैठ गया आगे, मतलब जैसे सीट कवर होनी चाहिए ना मस्त, जैसे चाहते हैं कि भाई सॉफ्ट कुशनिंग टाइप हो, कमर को आराम मिले, पिछवाड़े को भी मिल जाए साथ के साथ। तो कुछ ऐसे ही थे ये। और अब बात कर लेते भाई फ्लोरिंग की। फ्लोरिंग एकदम मस्त करी है, बाकी ये देख लो कुछ ऐसा है फ्लोरिंग। तो भाई ये कॉस्ट करी थी मेरे को 3500 रुपये। बाकी पीछे तो देखो कुछ खास और काम ही नहीं हुआ, अभी तो सिर्फ यही हुआ सीट कवर दोनों के दोनों। फुट मैट अभी मैं चेंज कराऊंगा, ढूंढ रहा हूँ वो 3D टाइप वाले जो आते हैं जो मैट, क्योंकि ऐसा है कि भाई ये अब चिपकेंगे नहीं, पर ये है कुछ दिन यूज़ कर लेते हैं, अब खरीद लिए तो खरीद लिए वो वाली चीज़। हाँ साथ के साथ पीछे एक और काम कराया था, ये भूल गया मैं बताना। तो ये जो लाइट देख रहे हो ना, अभी तो कुछ पता नहीं चलेगा, ये मैंने डीफोक कराई हैं और पेंट से मतलब मिल गई हैं। ये हमारे छोटू साहब के कुछ काम थे, पर इग्नोर करना कोई बात नहीं, ये हमारे खून में ही है। पीछे ये मतलब दोनों तरफ, और ये नीचे की जो पार्किंग लाइट देख रहे हो, ये भी दोनों हमने टेंट कराई थी। पर भैया रूप कुछ ऐसा हो गया, पीछे से नहीं दिखा पाया, अभी घर चल रहे हैं। और घर जाके इसका क्या, एक और चीज़ है वो भी मंगाई है, उसे भी अनबॉक्स करना है। मतलब इसके लिए मतलब मैं लास्ट टाइम क्या हुआ था, ये तो धुलवाने गया था गाइस, तो मतलब ऐसा हो रहा था कि बारिश पड़ गई ना, जो बारिश के निशान रह जाते हैं वो मिटते नहीं हैं, और मैं इसलिए धुलवाने के लिए गया था कि मैं डीप क्लीनिंग करा लेता हूँ तो अच्छे से साफ़ हो जाएगी, पर नहीं हो पाई साफ ढंग से। मैंने कहा एक काम करो, मैं खुद ही ऑर्डर कर लेता हूँ। तो मैंने जेट स्प्रे मंगा लिया, जिससे कि अपने आप भी धो जाएगी, क्योंकि जो चीज़ अपने से आप खुद से हो जाएगी ना, वो चीज़ नहीं आ पाती कहीं भी, तो इस वजह से हमने वो करा ली। अब बात आते हैं ये रेनवाइजर की। तो भाई ये कुछ 1,000 या 800-900 रुपए के थे, मेरे को कॉस्ट पड़े। मेरे को ऐसे चाहिए थे जिनमें बस स्कॉर्पियो एन ऐसे लिखा हो और भाई बस ब्लैक हो, क्योंकि देखो इनसे लुक मतलब ऐसा लग रहा है कि हाँ ये इसी चीज़ का पार्ट ना, कुछ अलग से कुछ नहीं कराया हमने। अगर इसमें बीच में ये क्रोम लाइन होती ना, यहाँ पे जो क्रोम लाइन होती है उससे ऐसा लगता है हाँ कुछ तो करवा दिया इसने, कुछ गड़बड़ करवाई है। ऐसे ही देखो इधर का लुक आ रहा है मस्सा। और भैया इसे जिसने अभी तक फॉलो नहीं करा है उसे फॉलो कर लो, है ठीक है, क्या कर दो, शक्कर पारा कर दो, सब्सिडी दे दो, और जो भी करना कप्पा मार दो।
देख 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 एसी आई सेट है बढ़िया मतलब एंड तक